ये पहली बार है कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ अयोध्या के दौरे पर हैं और चुनाव के बीच वो वहाँ पहुँचे हैं। और इसी पर ज़्यादा मालूमात के लिए हमारे संवाददाता अयोध्या से जुड़ रहे हैं रामेंद्र। रामेंद्र, उपराष्ट्रपति का ये पहला अयोध्या का दौरा है और वो मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुँचे हैं रामलला के, क्या और जानकारी है आपके पास? तो उपराष्ट्रपति महोदय यहाँ श्री रामलला जो मंदिर बना है वहाँ पहुँच गए हैं, पुजारी मंत्रोच्चार के साथ उनकी पूजा करा रहे हैं, क्योंकि सबके मन में कामना थी जब से राम मंदिर का निर्माण हुआ है, प्राण प्रतिष्ठा हुई, तब से सभी चाहते हैं कि एक बार मंदिर आए, दर्शन करें, ये उपराष्ट्रपति महोदय के भी मन में रहा होगा और अब कार्यक्रम उनका बन पाया है। इसमें पूजा चल रही है, मंत्रोच्चार के साथ श्री रामलला जी के दर्शन कर रहे हैं, पूजा की जा रही है। इसके बाद सरयू आरती में भी वो शामिल होंगे, सरयू आरती में हनुमान गढ़ी में हनुमान जी के दर्शन किए हैं, सरयू आरती में शामिल होंगे। ये पूरा कार्यक्रम है क्योंकि माना जाता है कि अगर अयोध्या आप आए तो बने हनुमान जी के दर्शन के ये पूरी यात्रा पूरी नहीं होती, क्योंकि भगवान माँ सीता ने उनको बड़े पुत्र के रूप में यहाँ स्थापित किया और हनुमान जी को पूरी सुरक्षा की जिम्मेदारी, अयोध्या की सुरक्षा की जिम्मेदारी उनके कंधों पर है। वहां भी जाएंगे और माँ सरयू की आरती करेंगे, क्योंकि सरयू यहाँ गंगा जैसी पावन मानी जाती है। भगवान राम से और अयोध्या को स्पर्श करने के बाद उनकी धारा धीमी होती है, धीमे धीमे सरयू कहा जाता है यहाँ से बहती हैं, और ये आसमन करने के बाद प्रभु श्री राम से जब थे उनके चरणों को आसमन करने के बाद धीमे से बहती हैं। ये गंगा आरती का जैसा महत्व है तो सरयू आरती करेंगे और उसके बाद यहाँ से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। अभी भगवान